हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ तीन चार पॉइंट पर बात करेंगे। ज़्यादा लंबा बात होगा नहीं, लेकिन वो बात जो होगी वो काम की रहेगी। ठीक है, इसमें एक सबसे पहले तो हम बात करेंगे 69 बीपीएससी पीटी को लेकर। आप लोग जो 68 का पीटी दिए थे, उसके कुछ दिन बाद ही आपको डेट मिल चुकी थी कि एग्ज़ाम होगा आपका सितंबर में, और ये मिली थी डेट फरवरी 2023 में। कितना दिन का टाइम था? 6-7 महीने का। 68 में नहीं पता था कि सिलेबस यूपीएससी पैटर्न पे है तो कैसा होगा पेपर, लेकिन 68 को देखने के बाद कम से कम इतना तो अंदाज़ा लग जाना चाहिए था कि पेपर जो होने वाला है वो यूपीएससी पैटर्न पर ही होगा, है ना। तो हम जैसे लूसेंट पढ़ते हैं या घटना चक्र पढ़ लेते हैं, उससे जो काम पहले हो रहा था अब वो नहीं होगा, है ना। 68 के पीटी में भी ऐसा ही कुछ था। आप लोगों ने उस पैटर्न को समझा नहीं, और 69 बीपीएससी में क्या हुआ आप लोगों ने पेपर देख भी लिया अच्छे से, किस तरीके से पैटर्न एकाएक बदल गया और पेपर का लेवल बढ़ गया, है ना। हवा भी नहीं लग रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी। हवा ऐसा नहीं है कि हवा लग रही थी उनको, जिन्होंने पढ़ा था, जो पिछले कई साल से यूपीएससी का मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना, उनका ठीक रहा। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो लूसेंट पढ़ रहे थे, जो घटना चक्र पढ़ रहे थे, जो करंट के 3-4 मैगजीन पढ़ लेते थे, जो बिहार स्पेशल पढ़ लेते थे, जो ऐसे भी थे कुछ जो ये सोचते थे कि इतिहास पढ़ लेंगे और विज्ञान हो जाएगा, बिहार स्पेशल हो जाएगा और एक कोई सब्जेक्ट हो जाएगा, 4 सब्जेक्ट पकड़ लेंगे हमारा पीटी निकल जाएगा, ऐसे भी कुछ लोग थे, है ना। 69 में पीटी में आपने देखा भी किस तरह से उसका फ़ायदा मिला आपको, है ना, बहुत फ़ायदा मिल गया। तो 69 बीपीएससी के दौरान, पीटी के दौरान आपने ऐसा क्या किया है? सबसे पहली चीज़ तो आप पुराने ढर्रे पर चले अपने। आपका पुराना ढर्रा कौन सा? वही लूसेंट, वही घटना चक्र, है ना, वही घटना चक्र रहा, वही मैगजीन्स रही। इसके अलावा बिहार स्पेशल वैसे ही अपने देख लिया, ठीक है, यही सारे सोर्स रहे आपके। एनसीईआरटी को देखना भी उचित नहीं समझा, अगर देखा तो गाइड से आपने क्या किया, क्वेश्चन टिक मार लिए या फिर गाइड वाला एनसीईआरटी की गाइड जो आती है वो खरीद लिया और उससे रट गए, ठीक है। क्योंकि रटने के बाद आप अपना विचार नहीं बना सकते, आप सोच नहीं सकते, तो जैसा जैसा उसमें रहा वैसा वैसा आप समझते निकल गए, ठीक है। पहली गलती तो ये कर दिया। दूसरी गलती क्या हुई? दूसरी गलती इसी से संबंधित है कि जो आप लूसेंट, घटनाचक्र ये सब पढ़ रहे थे, उसमें भी इस बात पे ध्यान रख रहे थे कि 4 पोर्शन कवर करेंगे और पीटी निकाल लेंगे, है ना। 4 पोर्शन कौन सा था? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, इतने में काम हो जाएगा, ये सोच के आपने तैयारी किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? 69 में आप देख रहे हैं कि 52 भी बन रहा है, 42 भी बन रहा है, 32, 35, 38, 45, 55 ऐसे बन रहे हैं प्रश्न, ठीक है। जल्दी सुनने में भी नहीं आ रहा है कि किसी का 90 बन रहा है, 85 बन रहा है, जल्दी नहीं सुनने में आ रहा है। ये दूसरी गलती ये रही। तीसरी गलती क्या की है? कि जब 68 पीटी आपने दिया था, उसमें जब डीप में पूछ लिया गया, जिले के अंदर में उस स्थान के बारे में पूछा गया, तब आप लोग इस गलतफहमी में हो गए कि ये तो एक बार ऐसा हुआ है, बार बार थोड़ी ना होगा। इस बात को सोचकर आप बैठ गए थे, ठीक है, और आप अपने ही तरीके को अपनाना शुरू किए। जबकि ये हम बोले भी थे आप लोगों से कि आप इस तरीके से तैयारी करिए भाई, पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा जिसमें आपको हवा भी नहीं लगने वाली है, समस्या आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिलहाल उसका परिणाम भी आप ही देखेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एक तीसरी गलती हो गई। चौथी गलती क्या रही? आपने यूपीएससी पैटर्न को नहीं समझा था। शायद अगर आपने यूपीएससी पैटर्न को समझ लिया होता तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेते अच्छे से, क्योंकि 6-7 महीने टाइम बहुत होता है, है ना। और उसके साथ साथ आप यूपीएससी के पेपर पैटर्न को देख लेते। पेपर पैटर्न का मतलब ये है, पेपर तो सिलेबस में से ही आता है, प्रश्न सारा का सारा सिलेबस से ही होता है, सिलेबस से बाहर कुछ रहता ही नहीं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है, इस बार इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, अगली बार हो सकता है कुछ पॉलिटी से हो जाए, हो सकता है अगली बार करंट से हो जाए, ज़्यादा प्रश्न ऐसे चलता रहता है। हिस्ट्री हो जाए, कभी साइंस टेक का आ जाए मामला, कभी इकोनॉमिक्स का आ जाए, है ना, ऐसा कुछ। ये इस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, जैसा इस बार आपने 69 पीटी में पेपर देख लिया, कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, है ना। इसके अलावा फिर जैसे एक प्रश्न का लेवल ये होता है कि राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों का वर्णन करें,
ये प्रस्तुति हो जाता है, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन करें, एक ये हो जाता है। दूसरा वर्णन, दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, उनका संविधान में वर्णन है, या फिर वो परिस्थितीय विवेकाधिकार है, ठीक है। तो प्रश्न का तरीका ऐसे हो सकता है, आपने क्या पढ़ा, विवेकाधिकार है, संवैधानिक है कि परिस्थितीय है, क्योंकि हम अभी जो मॉक चल रहा ना उसमें कई लोग इस बात में भी कन्फ्यूज रहते हैं, जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, विवेकाधिकार है जो राष्ट्रपति महोदय के, वो संवैधानिक हैं या फिर परिस्थितीय हैं। अगर परिस्थितीय बात हो जाती है, शब्द की शब्द का यूज हो जाता, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं ये कौन सा नया मामला आ गया। ये मॉक इंटरव्यू के दौरान बच्चों से जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं के बेस पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी 67 लिखे हैं तो कहीं ना कहीं रट के ही लिखे हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका आपने गलत कर दिया। फिर आपने क्या किया, पाँचवीं चीज़, पाँचवीं गलती क्या की आपने, कि मार्केट में जैसे सोर्स तो बहुत हैं, आप मैगजीन्स देखेंगे तो कई सारी मैगजीन्स हैं, 4-5 मैगजीन्स उठा लेंगे, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप खुद जानते हैं कौन कौन सी मैगजीन आपने पढ़े हैं, वो सारी मैगजीन्स आप उठा लिए, वो सारी मैगजीन्स आप पढ़ लिए, है ना, लूसेंट भी पढ़ लिए, एक कोचिंग का नहीं करी, 5 कोचिंग का टेस्ट लगा लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने खूब करी। इसका परिणाम क्या हुआ, आपको रिवीजन करने का समय ही नहीं मिला है ना। अगर समय रिवीजन का ना मिले तो एक बार पढ़ के कैसे आप याद रख सकते हैं, समस्या ये भी आती है। हमारा मानना है कि एक किताब को, सॉरी 10 किताब को एक बार पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए, हमारा ये मानना होता है, ठीक है। तो आपने एक ये गलती कर दी कि खूब सारा सोर्स इकट्ठा कर लिया आपने, उनको पढ़ते पढ़ते थक गए और रिवीजन नहीं किए, ओके, ये समस्या आ गई। मतलब पढ़ना क्या है, देखो इसमें एक छठा पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, वो छठा पॉइंट ये हो जाएगा, आपने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। आपने जो मिला वो पढ़ते चले निकल गए, जो सामने आया उसको याद कर लिए, बस करते गए। किसी ने बताया इसका टेस्ट ले लो, वो भी टेस्ट आ गया, किसी ने बता दिया कोई दूसरा मिल गया, हम तो ये वाला टेस्ट लगा रहे हैं, वो भी गए आ गए खरीद के ला दिए। फिर कोई मिला, ये वाला टेस्ट तो बड़ा बढ़िया चल रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा है, बिना कुछ सोचे समझे आपने वो भी खरीद लिया। तो इस तरीके से मैगजीन्स में किसी ने एडिटोरिया खरीदा, एडिटोरिया पढ़ रहे थे तब तक किसी ने आपको बता दिया यूथ वाली बहुत बढ़िया है मैगजीन, गए वो भी खरीद लाए देख के। फिर कोई आया तो बताया कि इस पीढ़ी वाला इस बार अच्छा करंट है उसमें, हम तो वो पढ़ रहे हैं, या हो सकता बातचीत में ही ऐसा लगा हो, वो उसने सामने वाले ने आपसे प्रश्न पूछा हो, हो सकता वो इस पीढ़ी पढ़ रहे हो, वो कोई एडिटोरिया पढ़ रहे हो, कोई क्रॉनिकल पढ़ रहे हो, कोई प्रत्युत्तर दर्पण पढ़ रहे थे, या फिर कोई कुछ और मैगजीन पढ़ रहे थे, हो सकता है प्रश्न पूछ लिया गया और आप लोगों को प्रश्न नहीं आया तो आप भी सोचे कौन सा मैगजीन पढ़ रहे, पूछ लिए, वो बता दिए ये वाली पढ़ रहे, गए आप लोग वो भी खरीद लिए। ऐसे ही आपने मैगजीन्स का ढेर लगा दिया घर पे, ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। तो ये 6 गलतियाँ रही हैं, इन 6 गलतियों की वजह से आपके जो 69 पीटी में मार्क्स आ रहे हैं 42, 52, 55, 58, 38, 33 ऐसे करके, है ना, 65 वाले भी हैं, 62 वाले भी हैं, 68 भी बना के बैठे हैं, जो 110 बता रहे थे पेपर देखे जैसे गेट पे निकले, 110 सही हो गया, वो जब घर पे आंसर की मिला दिए, क्वेश्चंस मिला लिए, तो उनको जब पता चला कि इतना हो रहा था, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे हो गया, वो दोबारा बोले भी नहीं फिर उसके बारे में, पेपर को लेकर कोई बात ही नहीं की। अब आप लोग देख ही रहे हैं आंसर की अब की बार किसी ने जारी नहीं की। अब जैसे पहले का ट्रेंड क्या होता था कि आपने देखा कि पेपर हुआ, पेपर होते ही एक से एक आंसर की जारी हो जाती थी, है ना, पूरी भरमार लग जाती थी, लेकिन इस बार क्योंकि पेपर का पैटर्न बड़ा अच्छा खासा रहा तो उसका आंसर की भी जारी करने में लोगों को बड़ा संकोच हुआ, संदेह भी हुआ, डर भी लगा, ठीक है, क्योंकि 68 में बहुतों ने आंसर की जारी की थी और उनके आंसर की में 20 से 25 प्रश्न की गलती भी मिली, 15 से 20 प्रश्न गलत हो गए, 20 से 25 प्रश्न गलत हो गए, तो इसलिए हो सकता है वो लोग निकाले भी नहीं, ठीक है। दूसरी एक चीज़ ये भी अब की बार नया देखने को मिला कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आती थी यूट्यूब पर वो भी नहीं किसी ने निकाला इस बार, उसमें भी लोगों का हाथ तंग है, समझ नहीं पा रहे हैं कट ऑफ क्या जाएगी। हाँ वैसे कोई बता रहा है 110 जा सकती है, कोई ये बता रहा है, कोई 95 जा सकती है, कोई कह रहा है 102 जा सकती है, कोई कह रहा है 90 जा सकती है, एग्जैक्ट पता किसी को नहीं है, कुछ भी नहीं पता किसी को, ठीक है। वो किस बेस पे बता रहे हैं वो वही जानते हैं, ठीक ना। ये तो हो गई 69 BPSC PT की बात हो गई। अब बात करेंगे दूसरी बात हमारी जो है, दूसरा टॉपिक जो आपका है, आपके लिए है, वो है 70वीं के PT की बात, BPSC
ईटी की बात है, हालांकि अभी तक इसकी डेट वोट तो नहीं आई है, लेकिन एग्ज़ाम जब भी होगा एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, तैयारी आपको करनी भी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, जैसे पहले किए हों वैसे करना है, या फिर नहीं जैसे मतलब जैसे पहले किए करके 69 में अच्छा खासा आपने स्कोर बनाया, क्या उसी तरीके से तैयारी करनी है, या फिर 70वीं में थोड़ा तरीका बदलना है, क्योंकि डेट तो आई नहीं है, तो इसका मतलब समय भी है आपके पास अच्छा खासा। तो क्या करना चाहिए आपको, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, या फिर लूसेंट पढ़ना चाहिए, घटनाचक्र पढ़ना चाहिए, बाकी मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, जो मैगजीन्स अभी तक आपने पढ़ी है उन्हीं को पढ़ना चाहिए अच्छे से, टेस्ट वही सारे लगा लेने चाहिए बढ़िया से, यही ट्रेंड रहने वाला है, मतलब पुराना ढर्रा ही रहने वाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग ये सोचें अब की बार इस वाले से आया था तो इस वाले को छोड़ देते हैं, अब की बार इस वाले पर ध्यान दे देते हैं, है ना, कोई कन्फर्म तो है नहीं कि अगली बार करंट अफेयर्स से 100 प्रश्न हो जाएंगे, साइंस टेक से 50 प्रश्न हो जाएंगे, या ज्योग्राफी से 80 प्रश्न हो जाएंगे, या फिर हिस्ट्री से 105 प्रश्न हो जाएंगे, कुछ कन्फर्म तो है नहीं किसी को। तो कौन सा पोर्शन छोड़ने वाले हैं और कौन सा पकड़ने वाले हैं, ये इस तरीके से पढ़ने वाले हैं आप लोग, वो आपको तय करना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, निकालना भी आप ही को है। अगर 69 वाला ट्रेंड अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे बढ़िया बढ़िया इतना अच्छा स्कोर आपने बनाया है, वही स्कोर आप 70वीं में भी बनाएंगे, है ना, अच्छा खासा स्कोर बना लेंगे आप लोग। लेकिन अगर तरीका बदल देंगे तैयारी का, तो हो सकता है कि 70वीं के पीटी में निराशा का मुंह न देखना पड़े, ये भी उम्मीद है। उसके लिए क्या करें फिर, देखो सबसे पहले तो भाई ये काम कर लो, क्योंकि पेपर है अनस्टेबल एग्ज़ाम है, ठीक है, सिलेबस लिमिटेड है, लेकिन पैटर्न जो है पेपर का वो कुछ भी हो सकता है, पैटर्न के आधार पर चलो या फिर सिलेबस के आधार पर चलोगे तो सब कवर रहेगा, कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है, क्योंकि पैटर्न पकड़ने में आप अब पैटर्न नहीं पकड़ पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि क्या क्या नहीं करना है वो नोट कर लो कहीं पर, ठीक है, पहली चीज़ तो ये नोट करो भैया कि क्या नहीं करना है, मतलब क्या नहीं पढ़ना है या क्या नहीं करना है, ये आप कहीं पर एक जगह लिख लो, ठीक है, ये आप लिख लिए तो समझ लीजिए आपकी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी, है ना, किताबों का ढेर लगाने से, टेस्ट का ढेर लगाने से सिलेक्शन नहीं होता ना, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है ना, तो वो आपको करनी चाहिए, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ फिर से वही गाइड उठाएंगे, उसी को रटेंगे, या क्वेश्चन वाला उठाएंगे उसको याद करेंगे, या फिर एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, सॉरी एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए आपको, है ना, हमारा भाई यही मानना है कि एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक बहुत ज़रूरी है, और गाइड नहीं इसलिए हम टेक्स्ट बुक लिख दे रहे हैं साफ साफ शब्द में, है ना, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। अब कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ना पता चले कि 6 से 12 तक 42-44 किताब आप पढ़ गए इकट्ठा, वो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि बिहार पीसीएस में है नहीं, सिलेबस अलग से बना नहीं, तो वो तो आएगा नहीं, है ना। सोशल इशूज वाला मामला, उसको कोई लेना देना भी नहीं होगा, है ना। साइंस की बात होगी तो 11th 12th वाली एनसीईआरटी साइंस पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम इतना बोलेंगे 12th की जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, उसका लास्ट का 6 या 7 चैप्टर है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें एनवायरमेंट भी है, साइंस टेक का भी मामला है, जैव प्रौद्योगिकी का भी मामला है, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना ही चाहिए हर हालत में। ये हो गया, ये तो हो गया एनसीईआरटी की बात। एनसीईआरटी पढ़ेंगे भी तो कैसे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी देखिए पढ़ने का कई तरीका होता है, एक तो तरीका ये है कि आप किताब उठाए जल्दी जल्दी पढ़ते निकल गए, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे अंडरलाइन कर रहे हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट है उसको गुलप मार लिए, उसको अंडरलाइन कर लिए, ठीक है, अब रिवीजन जब करेंगे तो आप वही अंडरलाइन वाला ही पढ़ते निकल चलेंगे, एक तरीका ये भी हो गया। एक तरीका ये भी हो गया होगा कि जैसे चैप्टर आपने पढ़ा, अंडरलाइन किया, वो जो शब्द थे वो सब अंडरलाइन कर लिए, अब जो चैप्टर के लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं उनको आपने देख लिया, मिला लिया, है ना, उनको आप चाहे तो क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, आंसर के रूप में लिख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, एक ये भी तरीका आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये हर चैप्टर के कम से कम सभी प्रश्न नहीं, कम से कम एक या दो प्रश्न लिखने चाहिए आपको, इससे आपको चैप्टर भी समझ में आ जाता है, कंटेंट भी आपको मिल जाता है, मेंस के लिए साथ में पीटी के लिए आपकी समझ बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो हमें तीसरा तरीका बड़ा अच्छा लगा कि वही तीसरा तरीका अपनाना चाहिए और सभी को अपनाना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई महारथी बैठा है यहाँ पे, सब ऐसे के वैसे हैं, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी के लिए ये काम हो जाएगा, इस तरह से एनसीईआरटी आपका कवर हो जाएगा। रही बात दूसरी, करंट अफेयर, अब क्या आप करंट अफेयर के लिए इस बार 4-5 पेपर उठाने वाले हैं या फिर कोई एक पेपर पकड़ने वाले हैं, पेपर पकड़ेंगे भी तो उसका क्या तरीका होगा पढ़ने का, ये भी एक सवाल है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप करंट अफेयर के लिए कोई पेपर उठाते हैं, मान लीजिए जनसत्ता है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक टाइम्स है,
और क्या है, दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण भी है, और हिंदुस्तान है, नव भारत टाइम्स है, दैनिक भास्कर है, प्रभात खबर भी आता है पेपर, तो कई सारे पेपर हैं। अब इसमें से कौन सा पेपर उठाना चाहिए? देखो, अगर इंग्लिश मीडियम से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यूपीएससी की तैयारी अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस क्या है पढ़ने का फ़ायदा, कि इसकी जो इंग्लिश है ना बड़ी टफ नहीं है, बहुत एकदम आसान है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस की अंग्रेजी जो है बड़ी आसान है, और ये द हिंदू का तो टफ है भाई, उसको समझने के लिए आपको डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ेगा, फिर तो एक एक डिक्शनरी एक एक शब्द देखेंगे तो वो उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश में ठीक रहेगा, आसान है। दूसरा, हिंदी मीडियम वाले अगर पढ़ें तो वो भाई कोई किताब, कोई भी पेपर पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण मिल जाए ना, या फिर आप बस ये तीन में से कोई एक पेपर आप पढ़ सकते हैं। तो कोई भी एक पेपर उठाओ, उसको क्या करो, अंडरलाइन करो। एडिटोरियल वाला पोर्शन आपको देखना चाहिए हर हालत में, बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो उनको अंडरलाइन करते चलो, और चाहो तो एक कॉपी बना लो, उसी में वो चीज़ें सारे नोट डाउन करते रहो, क्योंकि जब रिवीजन करने का टाइम आएगा ना तो आप पेपर कहाँ खोजोगे, फिर या तो पेपर का पूरा ढेर लगा दोगे, ये समस्या हो जाएगी, है ना, कूड़ा कचरा भी होगा फिर घर में, वो भी ठीक नहीं रहेगा, मच्छर जन्म लेंगे वहाँ पर। तो आप एक कॉपी बनाओ, उसी में वो चीज़ें नोट डाउन कर लो, करंट अफेयर का मामला भी निपट गया है ना। चलो, ये तीसरी बात हो गई आपकी। चौथी बात क्या करेंगे अभी, चौथी बात बिहार स्पेशल की बात करें। अब बिहार स्पेशल का क्या किया जाए? देखो, बिहार स्पेशल के लिए ना आप, ऐसा तो नहीं है कि आप इम्तियाज़ अहमद पढ़ना छोड़ दें, महेश बनवाल पढ़ना छोड़ दें, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि उसमें अच्छे खासे कंटेंट हैं उन किताबों में, उनको तो आप पढ़िए। साथ में क्या करें, करंट अफेयर के लिए एक साइट है IPRD बिहार करके आती है, IPRD बिहार है, इसका रोज़ ना 3 से 4 मिनट का न्यूज आता है बिहार स्पेशल का, वो आप देख ले देख सकते हैं, या फिर बिहार स्पेशल की ही बात कर रहे हैं अभी, द क्विंट से कवर कर सकते हैं। द क्विंट अभी इंटरव्यू वाले में हम वहीं से कंटेंट निकाल के इन लोगों को दे रहे थे, वही पूरी साइट शेयर कर देते थे, ये लोग पढ़ते भी थे, बहुत सारा पॉइंट उन्होंने इकट्ठा किया, जाति जनगणना हो, चाहे दुर्गावती डैम का मामला हो, है ना, चाहे जो मामला हो, वहाँ से उनको सबको बहुत सारा मिल गया। द क्विंट है, और इंडियन एक्सप्रेस का भी बिहार स्पेशल हो जाता है, हिंदुस्तान का बिहार स्पेशल होता है, तो चलता रहता है, उसी में नेट से आप उसको काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये कोई कुछ साइट्स हैं वो पकड़ सकते हैं आप बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दृष्टि का जो बिहार स्पेशल आता है, दृष्टि IAS का, वो पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं, बिहार स्पेशल हो गया भाई। अब बात है पाँचवें पॉइंट की, पाँचवें पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग, है ना, मैथ प्लस रीजनिंग वाला मामला है। इसके लिए क्या करें, अब देखिए, इसके लिए अगर RS अग्रवाल की किताब खरीदने के लिए बोल दें तो हमें लगता है कि हम आपको बेवकूफ़ बनाएंगे फिर, है ना, तो बेवकूफ़ बनाना ठीक तो है नहीं। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि UPSC और UPPCS के CSET का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उन सॉल्व पेपर मिल जाए तो और अच्छा है, उनको सॉल्व करो, वहाँ से आपको अच्छा खासा तैयार हो जाएगा मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन, ओके, ये हो जाएगा। बिहार का जो BPSC का पेपर है उसके सॉल्व उठा लो वहाँ से, देखो तो प्रश्न वही आएगा, ये तो गारंटी है नहीं, लेकिन फार्मूला वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, ये ज़रूर है, है ना, तो ये आप करके उतना कवर कर सकते हैं, ठीक है भाई। मैथ रीजनिंग की भी बात हो गई, अभी कुछ छूट रहा है तो छूट रहा है क्या, साइंस टेक, है ना, साइंस टेक छूट रहा है आपका, एनवायरमेंट इकोलॉजी भी छूट रही है, और क्या छूट रहा है आपका, ये आपका इकोनॉमिक्स में आपका बजट छूट रहा है, और कुछ योजनाएँ हैं वो छूट रही हैं, अब ये कहाँ से कवर करेंगे। देखो, करंट से ही सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो करंट से कवर हो जाएंगी। और एनवायरनमेंट के लिए ना आप चाहे तो एक किताब है, अगर पढ़ पाएँ टाइम मिले, तो NIOS की आती है, वो बड़ी अच्छी किताब है, और उसको आप पढ़ सकते हैं। कुछ चैप्टर्स हैं वो हम बता देंगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, सारे चैप्टर्स नहीं लेकिन कुछ चैप्टर जरूर पढ़ लेने चाहिए, है ना, ये आप कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। साइंस टेक के मामले में भाई आप देख सकते हैं करंट अफेयर बेहतर है, बाकी और क्लासेस देखिए कुछ करते हैं इंतजाम इसका भी साइंस टेक के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी सत्तरवीं के लिए। एक चीज़ और याद रखना, लूसेंट को छोड़ना तो है नहीं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी काम करेगा ही करेगा, तो हम क्या करेंगे, लूसेंट को भी अपने बगल में रख के चलेंगे हमेशा। उससे बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए आपने सब कुछ पढ़ लिया, NCERT आपने पढ़ ली, अब आपको क्या करना है, अब आपको मान लीजिए कि अनुच्छेद देखना है, सन देखना है, गवर्नर जनरल देखना है, है ना, कोई किताब का प्रकाशन है, प्रकाशक वो देखना, पत्रिकाओं का प्रकाशक वो देखना है, आंदोलन की डेट देखनी है, आंदोलन किसको फांसी कहा देगी ये देखनी है, तो आप लूसेंट में इसे कवर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है, साथ में रख के चलना, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना।
ओके, इतना सारा सोर्स है आपके पास 70वीं बीपीएससी के लिए। ओके, अब ये तो सारी चीज़ें होगी अपने पीटी से संबंधित, है ना। यहाँ तक हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत है आपको, इतना अगर कर लेंगे तो 70वीं का पीटी ईमानदारी से बताएं तो नहीं रुकने वाला है, ठीक है। उसमें अच्छा खासा स्कोर आप करेंगे, बढ़िया स्कोर होगा, और पेपर देने जाएंगे ना जैसे डर के साथ, पेपर देके जब बाहर निकलेंगे ना वही खुशी रहेगी, आंसर की मिलाने के बाद तक वो खुशी बरकरार रहेगी आपके चेहरे पर, है ना। ये काम आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक जो हमारा है, तीसरा टॉपिक भैया कि मेंस प्रैक्टिस को लेकर तीसरा टॉपिक हमारा। तो मेंस प्रैक्टिस का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है मेंस प्रैक्टिस का? हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप हम मेंस प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं और आप सब लोग हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप उसको खुद से भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। आप खुद से लिख के उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कितना सही है कितना गलत है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। मेंस प्रैक्टिस से क्या होगा, देखिए मेंस प्रैक्टिस कोई एक दिन का खेल तो है नहीं, लंबा चौड़ा काम है, बहुत दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कई बार आप क्या करते हैं उसमें शब्द सीमा का ध्यान नहीं रख पाते हैं, कभी समय का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, है ना। कभी ये होता है कि प्रश्न जो पूछा गया उसके उलट आप कुछ और भी बताने लग जाते हैं, प्रश्न तो बताते हैं उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें बताने लग जाते हैं, तो ये समस्या आ जाती है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए मेंस की। और मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से अभी का जो फायदा होगा, देखिए एक तो लंबा प्रोसेस है, ये आपको करना ही पड़ेगा धीरे धीरे। दूसरी चीज़, एस से भी लिखना है बीपीएससी में तो आपको वो जरूर करना पड़ेगा, निबंध, क्योंकि एक दिन में विचार नहीं पनपते, विचार आपके मन में धीरे धीरे आते रहते हैं, ठीक है। फायदा इसका ये हो जाएगा कि आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी चलती रहेगी, है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी होगी पहली चीज। मेंस तैयार होगा, साथ में प्री भी तैयार होगा, है ना, प्री भी तैयार होगा। इसके अलावा आपकी समझ जो होगी वो भी बेहतर होती रहेगी, है ना। किसी एक शब्द को एक तरीके से नहीं, करीब 10 तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे आप, शब्द के भंडार रहेंगे, है ना। और एक चीज़ और है, मेंस की प्रैक्टिस से एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि आप एलिमिनेशन वाला जो मामला है ना वो आप बहुत धड़ल्ले से करने शुरू कर देंगे, ये वाला नहीं तो ये वाला सही, ये वाला नहीं तो ये वाला गलत, है ना, ऐसा ये वाले में आप, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने पेपर दिया है 69, और मान लेते हैं कि आपका 60 बना, 65 बना, 55 बन गया, 58 बन गया, 72, 75, 78 बन गया, 80, 85, 90 बन गया, किसी कुछ भी बना है, कोई मतलब दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि आपको पीटी हो गया, प्री में आपका चयन हो चुका है, जब रिजल्ट आएगा तब की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक महीने का समय आपके पास बचेगा, अगर आप अभी से मेंस की प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ आप 2 से 3 प्रश्न अगर लिखते हैं तो कितना तारीख है, 15 तारीख हो गई, मान लो 20 नवंबर को रिजल्ट आने आ सकता है अगर, तो करीब 35 दिन का समय हो गया, ठीक है। 35 दिन में आप कितना प्रश्न लिखेंगे, 3 प्रश्न का एवरेज अगर निकाला जाए तो 105 प्रश्न लिखेंगे, और 105 प्रश्न अगर आप लिखते हैं वो 105 प्रश्न करीब 2 से 3 तरीके से समझ भी लेंगे, 2 से 3 तरीके से, तो करीब निकल जाएगा 300 प्रश्न आपके पास हो जाएंगे। अब आप 300 प्रश्न याद कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे उसको बढ़िया से, है ना। तो रिजल्ट आने के बाद अब पास हो गए तो ये दिक्कत आपकी नहीं रहेगी आपको कि अब क्या करें, एक महीने में 3 पेपर कैसे तैयार होगा, क्योंकि पैटर्न अगर 69 के पीटी में बदला है तो 69 के मेंस में भी पैटर्न चेंज हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा पेपर का क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा, तो ये कंफर्म है, ठीक है ना, ये फ़ायदा हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए नहीं हुआ आपका तो तैयारी बेकार होती है। ये तैयारी जो आपकी अभी की मेंस की है ये 70वीं के मेंस में काम आएगी, है ना, आपके 70वीं के मेंस में काम आएगी, और 70वीं के पीटी में भी ये धड़ल्ले से काम करेगा, क्योंकि जो आपकी समझ बनी है ना वो इसी बेस पे बनी है कि हमको 70वीं का पीटी मेंस इंटरव्यू सब फाइनल करना है ना। अगर मान लीजिए 69 की पीटी में आपको मौका मिल गया मेंस देने का, तो कम से कम इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए ना, क्योंकि 70वीं का पेपर इतना आसान तो होगा नहीं, है ना, 69 के बाद 70वीं का पेपर और भी टफ हो सकता है, या पैटर्न कुछ और हो सकता है, पैटर्न यही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, पैटर्न कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो 69 में अगर मेंस देने का मौका मिले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी इतनी तैयारी हो कि 69 फाइनल हो जाए, ये तैयारी आपकी होनी चाहिए, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। इतना अगर करते हैं तो फ़ायदा ही है आपका, नुकसान तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमारा यही मानना है कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना।
और अगर मान लीजिए बात करें कि किसी का 42 बन रहा है, किसी का 38 बन रहा है, किसी का 50 बन रहा है, किसी का 55 बन रहा है, तो इसका मतलब ये है ना 40-42 देखो 50-50 तक तो कटाफ जाएगी नहीं, 60 फुट तक तो नहीं जाएगी कटाफ, है ना, इतना नीचे कटाफ नहीं, इतना कम तो कटाफ नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो अभी से अगर आप पीटी के लिए जान देते हैं तो ये बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी, है ना। आप क्या क्या होगा कि ये आप खाली समय अपना पास करेंगे, आपको क्या करना चाहिए अभी से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, है ना, इतना आपको ध्यान रखना भाई, अभी से आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस की तैयारी से आपको वही फ़ायदा है कि मेंस भी तैयार होगा, प्री भी आपका तैयार होता रहेगा, है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ प्री की तैयारी करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ प्री के लेवल पर ही तैयार हो पाते हैं, मेंस का उसमें कुछ नहीं हो पाता। और ये भी हो सकता है कि उस जो प्री की आप तैयारी कर रहे थे बिल्कुल प्री मोड में जाके, वो भी तैयारी आपकी कंप्लीट ना हो पाए। लेकिन अगर मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको आंसर लिखना है, समझना है, है ना, देखना भी है, उसका मूल्यांकन भी करना है, तो इससे आपकी समझ ही बेहतर होने वाली है। तो इससे क्या होगा, मेंस भी आपका अच्छा खासा तैयार होता रहेगा, साथ में प्री भी आपका तैयार होता रहेगा, और हो सकता है क्या कन्फर्म ये भी रहेगा कि आपका प्री निकल जाएगा। इतनी सारी तैयारी तो आप करके बैठे हैं ना पहले से ही, बात समझ जाए ना। और अभी से मेंस की तैयारी में लगने का यही फ़ायदा है कि 69 में अगर मौका मिल गया मेंस देने का तो 69 को फाइनल ही करने की सोचना, है ना, ताकि इतना बढ़िया लिखो, इतना बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए कि 69 का मेंस हाथ से ना जाने पाए, सिर्फ हाथ से ना जाए जाने पाए। इसी बात का ध्यान रखना, इस बात का भी ध्यान रखना है कि इतना अच्छा हो जाए कट ऑफ से कम 40-50 प्रश्न तो एक्स्ट्रा रहें ही आप, तभी ना मज़ा आएगा, बस समझ रहे हैं। कट ऑफ पर मेंस क्वालिफाई करके क्या फ़ायदा है, अगर इंटरव्यू में 70 नंबर मिल गया, 75 नंबर मिल गया और आप फाइनल मेरिट में ही नहीं आ पाए तो क्या फ़ायदा होगा उसका। तो बेहतर तो यही है कि आप मेंस में कट ऑफ से कम 40-50 प्रश्न एक्स्ट्रा ही रहें तो और मज़ा आएगा, है ना, तो ये चीज़ आपको बेहतर हो जाएगा, बस समझ रहे ना। बाकी 70वीं की तैयारी होती रहेगी, ठीक है, तो बेहतर मौका है, अच्छा मौका है। और फिर से हम बता रहे हैं, इसलिए नहीं ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि आप लोग मेंस के प्रोग्राम से जुड़ जाएं, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा यही मानना है कि ज़बरदस्ती में कहीं भी पैसा फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस समझ रहे हैं। पैसा फेंकने से अगर सिलेक्शन होना होता तो आज बहुत लोग आईएएस पीसीएस बने होते, है ना। तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है कि पैसा ऐसे ही नहीं देना है, बस आप तैयारी करिए ना, एनसीईआरटी पढ़िए, उसका क्वेश्चन लिखिए, करंट पढ़िए, उसको कोरिलेट करके क्वेश्चन बनाइए, उसका आंसर लिखिए, कितना मज़ा आएगा लिखने में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखने का मज़ा ही मज़ा है पूरा, चैप्टर अभी अभी पढ़ा है, अभी प्रश्न लिखने हैं, क्या फ़ायदा है, है ना, सर चैप्टर भी समझ गए, क्वेश्चन भी लिख लिए, मज़ा आ गया फिर तो, है ना, नोट्स भी आपका तैयार हो रहा है साथ साथ धीरे धीरे। तो इस तरीके से आप करें, खुद का मूल्यांकन खुद करें, कोई ज़रूरत नहीं किसी कोचिंग को पकड़ने की, आप खुद से करें, आप अपने सक्षम हैं, नहीं है तो थोड़ा बहुत हमसे बात करके ना हम उतना सक्षम खुद बना देंगे आपको कि आप उस लायक हो जाएंगे। और उसके लिए फ़ीस नहीं लगेगी, चिंता मत करो, उसके लिए फ्री आप वो बिल्कुल फ्री है। आप पूछेंगे, मैसेज नहीं करना, फ़ोन करेंगे तभी हम बता सकते हैं, मैसेज पर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हाँ, या फिर वॉइस मैसेज करें तो भाई उतना हम बोलेंगे लंबा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, वो फ्री में एडवाइस कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, आपको तैयारी करने का तरीका बता सकते हैं, क्या लिखा है वो भी बता सकते हैं, क्या नहीं लिखना चाहिए था वो भी बता सकते हैं, और क्या लिख लोगे अच्छा हो जाएगा उत्तर वो भी बता देंगे आपको, किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए अपने उत्तर में वो भी बता सकते हैं, वो फ्री में भी बता सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसके लिए फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये अपने दिमाग से गलत सब लोग निकाल दें कि ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ फीस के लिए कर रहे हैं ना। अभी भी जो मेंस चल रहा है उसमें आधा ज़्यादा बच्चे जो हैं ना वो फ्री में होंगे, आप लोगों को भी बता दें। 68 के जो मेंस की स्टार्ट किए थे उसमें भी 25-30 लोग फ्री वाले थे, 68 वाले में, हाँ करीब 68-69 का एक साथ स्टार्ट किया था ना, तो उसमें 25-30 लोग फ्री वाले थे। अभी फिर से स्टार्ट किए हैं जो नया वाला, इसमें अभी ज़्यादा लोग नहीं आए, फिर भी उसमें ज़्यादातर लोग फ्री वाले हैं, कुछ ही लोग पेमेंट किए हैं। फीस मायने नहीं रख रही है, मायने रखता हमारे लिए आपका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन जरूरी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, बल्ले बल्ले है सबका, है ना, हमारा भी थोड़ा सा नाम होगा, आप समझ रहे हैं। तो हमें इसकी चाहत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, मेहनत कर रहे हैं तो कमी कहाँ हो रही है, है ना। तो मेहनत कर रहे हैं ज़बरदस्ती में फीस पेमेंट करके पैसा देकर किसी को नहीं करना है भाई, क्यों पैसा बर्बाद करना अपना, है ना। तो पैसा जो है उसको यूज करो नोट्स में, अपने खाने पीने में और पढ़ाई में यूज करो, ऐसे नहीं कि कहीं भी कोचिंग में पैसा दे के एडमिशन ले लिए तो सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन से नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग, ये हम बार बार बोल रहे हैं, पैसा देकर सिलेक्शन नहीं होता। अगर सिलेक्शन होना होता तो हम 5 लाख रुपए
करीब 20 में खर्च किए हैं, आज हमारा पापा सिलेक्शन हो गया होता है ना। हालांकि वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा नंबर का अंतर कभी नहीं रहा है, 2-4 नंबर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, फिर भी रहा है तो रहा है, बात खत्म है ना। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिलहाल आज के लिए यही इतना ही रहेगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, और अगली वीडियो जो होंगी वो आपकी मेंस प्रैक्टिस से संबंधित होंगी, और हो सकता है एनसीईआरटी की भी क्लास हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तब लोग उसको देख लेंगे। जो हम सबको पढ़ाते हैं वो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।